प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। दया जी पड़साला सूरत से, दिव्या जी खेतरपाल जयपुर से, रूबी जी नागपाल जयपुर से, रेणु जी खुंगर, अन्नू जी भगत फाजिलका से, अस्मिता जी कपोपरा सूरत से, अंबिका जी अधिकारी नेपाल से, दक्षा जी पड़साला सूरत से, कालिंदी जी, हर्षा जी कपोपरा सूरत से, सोनाली जी, निखिल वैशाली जी प्रणामी जयपुर से, रविंदर जी प्रणामी श्री गंगानगर से। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ इस समय आनंद लेने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आइए धाम धनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरण कमलों को निरखते हुए और वंदना बोलते हैं। श्री वंदो सति गुरु चरणिको, करूं सो प्रेम प्रणाम, आशोभरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम समस्त सुंदर साथ श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में अपनी सुरता को लेके चलते हैं और वहीं पे अपने भाव रखते हैं श्री जी साहिब जी के श्री चरणों में। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार, बना रहे यूं हम पर प्रीतम, बना रहे यूं हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, हो तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर
सबसे प्यारा है तेरा दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रही हूँ हमसे प्रीतम, बना रही हूँ हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार तेरा दरबार। न छूटे प्यार की तार, न टूटे हो तेरा दरबार, न छूटे प्यार की तार न टूटे। तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे, तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे। तुम मिल गए पिया जी, धन धन भाग हमारी। तुम मिल गए पिया जी, धन धन भाग हमारे। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, बिन स्वार्थ का प्यार तेरा दरबार। न छूटे प्यार की तार, न टूटे हो तेरा दरबार, न छूटे प्यार की तार, न टूटे सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार। बना रही हूँ हमसे प्रीतम, बना रही हूँ हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार तेरा दरबार। न छूटे प्यार की तार, न टूटे हो तेरा दरबार, न छूटे प्यार की तार न टूटे। तुम हो मिहर के सागर, तुम ल्याए अर्श खजाना, तुम हो मिहर के सागर, तुम ल्याए अर्श खजाना। तुमने सिखाया जीना और सत्य की राह पे चलना, तुमने सिखाया जीना और सत्य की राह पे चलना। बिना तुम्हारे सपने में भी, बिना तुम्हारे सपने में भी जीना है बेकार तेरा दरबार। न छूटे प्यार की तार, न टूटे हो तेरा दरबार, न छूटे प्यार की तार न टूटे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात उठावे जो मन से, होसी सबे वतन,
एक जरा छिपी ना रहे, यो कोई भूलो जिन, यो कोई भूलो जिन। एक काते माए चुप कतिया, सोताने सहे औरन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप, महामति अक्षरातीत धाम दुल्हा श्री जी साहेब जी, श्री इंद्रावती जी के हृदय में साक्षात स्वरूप में विराजमान होके और हम सुंदर साथ से सामने बैठ के बातें कर रहे हैं और एक एक बात सबकी बता रहे हैं जो मूल मिलावे में बैठ के होने वाली है। और हम सब सुंदर साथ को श्री इंद्रावती जी की आत्म सावधान कर रही हैं, क्योंकि बाद में मत कहना कि हमें पता ही नहीं था, हमें पता होता तो हम ऐसा क्यों करते, है ना। तो ये इलम इत आंखें चाहिए इलम की, तो देखो नैना बातन। यहां इलम की आंखों के द्वारा, बातूनी दृष्टि के द्वारा हमें श्री इंद्रावती जी की आत्म सब कुछ दिखा रही हैं। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि धामधनी बता रहे कि बात उठावे जो मन से, सो होसी सबे वतन। अब कितनी बड़ी बात है ना सुंदर साथ जी, के जो बात हम दिल में सोचते हैं किसी के प्रति और हम किसी को भी नहीं बताते, तो श्री राजजी महाराज श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं कि वो सारी बातें आपकी धनी जी के दिल तक पहुंच जाती हैं, वो सारी की सारी बातें ही अखंड हो रही हैं। अब सोचो सुंदर साथ जी, अब जिसको पता हो सुबह से लेके रात तक मेरी बाहर की मूवी भी बन रही है, क्योंकि यहाँ के लोग तो बाहर की मूवी बना सकते हैं ना, हम शादी में फंक्शन में जाएं तो हमारी बाहर की मूवी बनती है, इस शरीर की मूवी बनती है। विचार कीजिए हम अंदर से कैसे हैं और हम किसके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी कैमरा आ जाए दुनिया में, है ना, और उस कैमरे के अंदर सब कुछ फीड हो जाए और सारी दुनिया एक दूसरे को दिल की बातों को देख सके सुन सके, तो बोलो जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना सुंदर साहब जी। वो तो यहां मुश्किल हो जाएगा ना, अगर ऐसा कोई कैमरा बन जाए, जैसे चित्रगुप्त को काम दिया गया है कि जो ये छुप के काम करते हैं ना उनकी फोटो खींचने का, है ना। श्री राजजी महाराज ने अक्षर भगवान को कहा है कि इनकी पूरी मूवी मुझे चाहिए, पूरी मूवी बनके तैयार करके दो। तो लाडले सुंदर साहब जी, हमारी तो एक एक पल की मूवी अंदर की भी बन रही है और बाहर की भी बन रही है। अब विचार करो सुंदर साथ जी कि हमने आज तक जीवन में जिसके लिए जितनी बातें सोची, अच्छा सोचा बुरा सोचा, वो विस्तार पूर्वक मूल मिलावे में परम धाम के अंदर जब सब सखियों के बीच में जाहिर होगा, तो हम कितने शर्मसार होंगे, है ना सुंदर साथ जी। कितनी शर्म आएगी कि हमने किस परम धाम की आत्म के लिए क्या क्या बातें कही, क्या क्या एलिगेशन लगाए और क्या क्या हमने उसके लिए सोचा है। आज तो हम छुपा लेंगे यहाँ पे तो, पर श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है ए लाडले सुंदर साथ जी, यहाँ छिपा सकते हो, पर वाणी क्या कह रही है फिर से सुनिए इस चौपाई को, क्योंकि हमारे सुंदर साथ कह रहे हैं कि दीदी वाणी चर्चा का बड़ा जबरदस्त असर हो रहा है समस्त सुंदर साथ पे। और कुछ सुंदर साथ तो मुझे कमेंट करके बताते हैं कि हमारा तो जीवन ही बदल दिया इस वाणी चर्चा ने, हमारी तो दिनचर्या ही चेंज हो गई, हमें तो ऐसा लगता है कि ये वाणी चर्चा
अगर इसी प्रकार से चलती रही तो हमारे तो जीवन का बिल्कुल परिवर्तन ही हो जाएगा। तो लाडले सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी की आत्म यही चाहती थी, जब साक्षात स्वरूप में थे तो क्यों चर्चा करते थे रात दिन, है ना? विचार कीजिए, 5000 सुंदर साथ उनके सन्मुख रहते थे प्रत्यक्ष रूप में, तो उनका जीवन किसने बदला? इस वाणी चर्चा ने। इसलिए श्री जी साहिब जी 9 बजे श्री 5 पद्मावती पुरी धाम श्री बंगला जी के दरबार पर 9 बजे साक्षात स्वरूप में बैठते थे। और फिर हम बीतक में सुनते हैं कि कभी रात के 12 बज जाते थे, कभी 1 बज जाता था, और कभी 1.5, कभी 2 और कभी 3 बज जाती हैं लाडले सुंदर साथ जी। विचार कीजिए कि इस वाणी चर्चा ने सुंदर साथ को कितना चेंज किया, और सुंदर साथ के अंदर वाणी चर्चा सुन सुन के कितना परिवर्तन आया। ऐसे थोड़ी 500 सुंदर साथ के अंदर इतना इश्क आ गया कि वो तीज चौथ पंचमी वाले दिन में, है ना, उस पूरे महीने में, सावन के महीने में 500 सुंदर साथ धाम चले गए। विचार कीजिए सुंदर साथ जी, बिना इश्क के परम धाम जाया जाता है? बिना इश्क और ईमान के, प्रेम और विश्वास के बिना क्या हम परम धाम ऐसे अपनी सुरता को पहुंचा सकते हैं? कोई नहीं पहुंचा सकता। तो ये 500 सुंदर साथ जो धाम चले गए श्री जी साहिब जी के खासल खास अमीरल श्रेष्ठ 500 जुल जुलाट मोमिन परम धाम गए लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि 5000 सुंदर साथ थे ना, उनमें से 500 सुंदर साथ खासल खास ब्रह्म सृष्टि थे और 1500 ईश्वरी सृष्टि थे, ठीक है, और 3000 उत्तम जीव रहे होंगे जिनको सिरजी साहिब जी का सानिध्य मिला, सिरजी साहिब जी के साक्षात दर्शन हुए। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये सारे सुंदर साथ का जीवन परिवर्तन हो गया, वो किससे हुआ? इतना प्रेम उमड़ घुमड़ के अंतस्करण के अंदर कैसे आया? वो वाणी चर्चा से आया सुंदर साथ जी। इसलिए श्री जी साहिब जी हमें थोड़े थोड़े दिनों बाद कह देते हैं, सुनो साथ कहूं एक अनुपम बात। ए सुंदर साथ जी सुनिए, एक अनोखी बात बताता हूं, तमें चर्चा सुन जो दिन ने रात। आप रात दिन चर्चा सुनो, अपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ, अपने ऊपर तो श्री प्राणनाथ जी मेहरबान हो जाएंगे। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, जब हम वाणी चर्चा सुन रहे होते हैं उस समय हमारा ध्यान कहीं नहीं जा रहा होता। ये श्रवण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, और श्रवण भक्ति के बराबर कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। क्योंकि जब हम सुनते हैं और हमारे हृदय में ये ब्रह्म वाणी जाती है, तो ये ब्रह्म वाणी अपने आप हमारे हृदय को बदल के रख देती है। तो लाडले सुंदर साथ जी आज हमें ये वाणी की चौपाई ही बता रही है, फिर से सुने, दिल से सुने, आज तक जो हमसे गलती हुई ना वो अब दोबारा नहीं दोहराएंगे। ऐसे सिरजी साहिब जी गुम्मट वाले साहिब जी के श्री चरणों में प्रार्थना करें, क्योंकि द्वार तौबा के खुले हैं अब, पीछे तो दुनिया मिलसी सब। तौबा का दरवाजा अभी तक खुला है सुंदर साथ जी। आज जो पश्चाताप कर लेगा, आज जो माफी मांग लेगा और बाद में गुनाह ना करे, तो उसको स्वयं सिरजी साहिब जी माफ कर देंगे। और हमारे से तो अनंत गलतियां, अनंत गुनाह एक दिन में होते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि स्वयं श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं, ए नाही अवगुण और जो मेरे तो लेप बज्जर। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है, मेरे अवगुण दूसरों की तरह नहीं है, मेरे अंदर तो लेप बज्जर अवगुण है। पर उनके अंदर नहीं थे सुंदर साथ जी, वो लेप बज्जर अवगुण किसके अंदर है? हमारे अंदर है। ए विद सोई जानसी जाकी अंतर खुली नजर, ये वही समझ सकेगा जिसकी आत्म दृष्टि खुल गई होगी। और सीधी सी बात है सुंदर साथ जी, श्री जी कहते हैं जिसकी आत्म दृष्टि खुल गई होगी ना, वो सिर्फ अपने अंदर कमियां ही कमियां देखेगी, वो आत्म ये उसकी निशानी होगी।
ये उसकी पहचान होगी। और जो नींद में सोई हुई होगी, जिसके ऊपर फरामोशी का पर्दा होगा, वो सिर्फ अपनी तारीफ चाहेगी, कमी सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। वो 24 घंटे चाहेगी कि मेरी कोई तारीफ करता रहे, फिर तारीफ चाहे झूठी ही क्यों ना हो। इसका मतलब फरामोशी का बड़ा भारी पर्दा है। और श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी, ए नाही अवगुण और जो मेरे तो लेप वज्जर, ए विद सोई जानसी जाकी अंतर खुली नजर। फिर कहती हैं रोम रोम कई कोट अवगुण। देखिए, हमारे अंदर कोई एक गलती निकाल देना तो हम दोबारा उससे बात करने के लिए तैयार ही नहीं होते, और ना ही उसको कॉल करने के लिए तैयार होते हैं, ना ही मैसेज करने को हमारा मन करता है, क्योंकि उसने हमारी कोई गलती बता दी और हमारी खंडनी कर दी, है ना। और श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है एक गलती, मैं क्या बता रही हूं। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है हो सकते हो आप मुझसे भी महान हो, पर मैं तो अपनी बात बता रही हूं। हम सारे कहते हैं हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। श्री इंद्रावती जी की आत्म कह रही है रोम रोम कई कोट अवगुण, एक रोम के अंदर कई करोड़ों करोड़ों अवगुण है मुझ इंद्रावती के अंदर। ध्यान से सुनना और फिर अपने मन को देखना कि हमने क्या किया होगा। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनेगार, ए तो कही मैं गिनती पर गुने को नाई शुमार। एक रोम में कई करोड़ों करोड़ों अवगुण श्री इंद्रावती जी कहती हैं भरे हुए हैं। अच्छा, रोम को तो फिर भी कोई गिन लेगा, ठीक है, पर फिर कह दिया कि मेरे अवगुणों का तो कोई शुमार ही नहीं है, कोई पारावार ही नहीं है। लाडले सुंदर साहब जी, और हम अपने मन को हर पल हर घड़ी कहते रहते हैं, अपने आप को कहते रहते हैं कि मुझ में क्या कमी है, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं, है ना। और कोई कमी बता दे तो फिर उसकी शक्ल देखनी भी हमें अच्छी नहीं लगती। कोई गलती बता दे, कोई कमी बता दे तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। लाडले सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं सबसे बड़ी हमारे अंदर क्या कमी रही होगी कि हमने दूसरों के लिए, दूसरों के अंदर जो अवगुण देखे, जो कमियां देखी, और देख के चाहे हमने किसी को नहीं कहा पर हम सारा दिन लोगों की कमियां ही देखते रह गए, क्योंकि हमारी आधी जिंदगी तो लोगों को देखने में बीती जा रही है, खुद को देखने का तो अभी तक टाइम ही नहीं मिला। इसीलिए हम अपनी आत्म का निरीक्षण नहीं कर पा रहे। सुंदर साहब जी, हमें अपने आप को, खुद को देखने का समय ही नहीं मिल रहा। विचार कीजिए, हम पूरा समय दूसरों को देखते रहते हैं और दूसरों की बुराइयां, दूसरों के अवगुण, दूसरों की कमियां हम छांट छांट के निकालते हैं, और फिर वो कहां रह जाती हैं। और इसका भागवत के अंदर प्रत्यक्ष लिखा गया है, उसमें भागवत में लिखा है कि जो लोग दूसरों के अवगुण देखते हैं तो वो जो दूसरों के अवगुण जिस समय में देख रहे होते हैं वो अवगुण सारे के सारे देखने वाले के हृदय में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। और हमारी जो अच्छाइयां, हमने दूसरों के अवगुण देखे, उसके अवगुण हमारे अंदर ट्रांसफर हो गए, ठीक है। और हमारी जितने अच्छे गुण हैं वो उसके अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। अब विचार कीजिए, अब हम दूसरों के बारे में कितनी बात, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमारे धनी जी हमें कह रहे हैं कि ए लाडली रूहो, मैं छिपूंगा तुमसे, तुम्हें नजर में ले। वाणी में कह दिया कि मैं तो छिप जाऊंगा लेकिन तुम सारी मेरी नजरों में रहोगे। और अब धनी जी का नजरों रूपी कैमरा हम परम धाम की आत्माओं के ऊपर लगा हुआ है, और पल पल घड़ी घड़ी हमारे धाम के दुल्हा, हमारे प्रीतम
हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं बात उठावे जो मन से। अभी किसी को नहीं बताई, किसी के मन में जो बात होती है ना, सो होसी समे वतन, उसकी चर्चा परम धाम में अवश्य होगी। जो भी किसी के दिल में बातें हैं ना, उन बातों पर परम धाम में चर्चा अवश्य होगी। विचार कीजिए सुंदर सच, चौपाई सुन के डर नहीं लग रहा? चौपाई सुन के आत्म ये नहीं कह रही कि हे राज जी महाराज कृपा करो, हे राज जी महाराज आज के बाद ये गलती तो मैं जीवन में कभी ना करूं। आ रहा है ऐसा मन में? सोच रहे हो? नहीं सोच रहे तो सोचो सुंदर साज जी, क्योंकि हमें सवर के, हमें निखर के, हमें निर्मल पवित्र आत्म बन के धनी जी के चरणों में जाना है, है ना। कह रही है एक जरा छिपी ना रहे यो कोई भूलो जिन, एक जरा कोई भी बात धाम धनी से छिपी नहीं रहेगी। और धाम धनी को मत भूलो खेल के अंदर, सुबह से लेके सारा रिकॉर्ड होगा हमारा रात तक। और भजन की लाइन में कहते हैं भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। कर फिकर तू कर जिकर तू, कर जिकर तू कर फिकर तू, करनी ऐसी कर वही जो फुरमाई हक ने सही। करनी ऐसी कर वही जो फुरमाई हक ने सही, पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। दुनिया की परवाह कर नहीं, हक सिर पे खड़े हैं तेरे डर नहीं। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। भाई छोड़ दे दुनिया ले ले हक का नाम, वरना अर्श में होगी रू बदनाम। भाई छोड़ दे दुनिया ले ले हक का नाम, वरना अर्श में होगी रू बदनाम। अनजान तू पहचान तू, पहचान तू अनजान तू, ऐसा इलम कहीं पर नहीं जो पहुंचावे निज घर वही। ऐसा इलम कहीं पर नहीं जो पहुंचावे निज घर वही। पीले 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 हक जाम पीले मर कर जीले। पीले 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 हक जाम पीले मर कर जीले। लाडले सुंदर साज जी, भाई देख रही हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। कर फिकर तू कर जिकर तू, अभी से फिकर करनी शुरू कर दे, क्योंकि सब कुछ हमें धाम के धनी देख रहे हैं। सुबह से लेके रात तक की दिनचर्या हमारी नोट हो रही है सुंदर साज जी, और अखंड मूवी बन के तैयार हो रही है। इसलिए श्री इंद्रावती जी की आत्म हमें ये सूत कातने वाले प्रकरण के अंदर बड़े प्यार से लाड से समझा रही हैं, कि शीशा दिखा रही हैं, हमें दर्पण दिखा रही हैं कि देख लो कि क्या होने वाला है परम धाम में। एक काते माई चुपकतियां सोताने सहे और अन्न, कहते एक ऐसी सखियां हैं जो प्रीतम के प्यार में रात दिन चुपचाप डूबी रहती हैं, और उनके लिए कितने ताने लोग देते रहते हैं, कितनी बातें कहते हैं। क्योंकि लाडले सुंदर साज जी इस रास्ते पे चलना आसान नहीं है। जो भी आत्म इस रास्ते पे चली उसने
परिवार के, समाज के ना जाने कितने कितने ताने सहन किए और कितनी कितनी बातें सहन करी। ये रास्ता आसान नहीं है। भजन की लाइन में कहते हैं, इश्क ईमान दे पर जिन्नू लग जांदे ने, ताने सह के भी ओ शीश झुकांदे ने। जिस आत्मा को इश्क ईमान के पंख लग जाते हैं, फिर दुनिया कितने भी ताने मारे, कितने भी बातें, कितने भी कमेंट करें, तो उस आतंक के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो तो हाथी की चाल से अपने निजानंद संप्रदाय, संप्रदाय में होता है रास्ता, उस रास्ते पे निज आनंद लेने के लिए उस रास्ते पे चली जाती है, है ना सुंदर साहब जी। तो धनी जी कह रहे हैं कि तात चढ़ावे तलवे नजर न चुके खिन्न, कहती है इस प्रकार से तकले के ऊपर अपनी तार चढ़ाती हैं, सूत काटती हैं कि नजर न चूके खिन्न। एक क्षण के लिए भी उस चूकती नहीं है सूत काटने के लिए, है ना सुंदर साहब जी। सुबह दोपहर शाम रात जब जब टाइम मिलता है ना, कभी तो धनी जी को भजन गा के रिझाने के रूप में सूत काता, कभी वाणी के प्रकरण गा के सूत काता, कभी वाणी पढ़ के सूत काता, कभी तारतम का पाठ करके, कभी मेहर सागर का पाठ करके, कभी धनी जी की चितवनी करके, तो वो सुंदर साथ सूत काटते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने पूछा था कि हमें किस प्रकार का सूत काटना है। तो लाडले सुंदर साथ जी, सुंदर साथ ने व्हाट्सएप पे भी इतने अच्छे अच्छे जवाब दिए, समझ सुंदर साथ ने बड़े सुंदर, मैं कितने नाम लूंगी तो मैं नाम की लिस्ट बोल नहीं सकती, पर लाडले सुंदर साहब जी आप व्हाट्सएप पे मैसेज ना करके फेसबुक पे मैसेज करोगे ना तो आपका नाम आएगा, है ना। व्हाट्सएप पे करोगे तो, क्योंकि चर्चा और कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, ये प्रतियोगिता फेसबुक पे चल रही है। तो लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने प्रश्न पूछा था कि हमें किस प्रकार का सूत काटना है, तो कल का जवाब बड़ा सुंदर दिया कमलेश जी प्रणामी जयपुर, कमलेश जी प्रणामी जयपुर। उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हमें संसार में श्री राज जी के प्रेम रूपी और विश्वास रूपी सूत को काटना है। कितना सुंदर जवाब दिया कि श्री राज जी महाराज का प्रेम और विश्वास, धनी के चरणों में इतना प्यार करना है और अटल विश्वास रखना है धनी जी के चरणों में, है ना सुंदर साथ जी। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमारे धाम के धनी हमें इस चौपाई के अंदर क्या कहना चाहते हैं कि बात उठावे मन से होसी सबे वतन, एक जरा छिपी ना रहे यो कोई भूलो जिन। इस चौपाई के अंदर धनी जी हमें क्या कहना चाहते हैं, आप सबको जवाब देना है जिसकी हमने अभी अभी चर्चा सुनी है। तो लाडले सुंदर साहब जी, कल हमारी कमलेश जी जयपुर वाली ने जवाब दिया, धाम धनी उनके ऊपर अपनी अपरंपार कृपा बरसाएं और कमलेश जी प्रणामी धाम सखी का खिताब पाया। सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, धाम धनी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि ये कमलेश जी जब से वाणी चर्चा 6 अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी तब से ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अब तक वाणी चर्चा का आनंद ले रही हैं। तो लाडले सुंदर साहब जी, कमलेश जी प्रणामी जी को धामधनी की तरफ से, सदगुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और आप समस्त सुंदर साथ भी उनको बधाई देना। आइए हम चौपाई दोहराते हैं, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस चौपाई का अर्थ आप जब मर्जी लिखना, सुबह से लेके रात तक, ठीक है, कमेंट करते रहना, लिखते रहना, विस्तार सहित समझाना मुझे कि धनी जी इस चौपाई में क्या कहना चाहते हैं और हमें कैसा बनना है। आइए हम चौपाई दोहराते हैं, नजर ना चुके खिन्न, एक काते माही चुपकतियां, सोताने सहे और अन्न, तात चढ़ावे तलबे नजर ना चूके खिन्न, नजर ना चूके खिन्न,
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आपको ये वाणी चर्चा समझ में आ रही है, आपको आनंद आ रहा है, आप कृपा करके मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और इस वाणी चर्चा को आप नित्य प्रति शेयर करें ताकि समस्त सुंदर साथ सूत कातना सीख जाएं, क्योंकि ये सूत कातने का प्रसंग बड़ा प्यारा प्रसंग है प्रकाश हिंदी में। सभी को बताओ और जितना कातेंगे ना सुंदर साथ, जिनको आपने शेयर किया उसका 50% कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है। 50% वो जितना कातेगी उसका 50% आपको मिलने वाला है। तो लाडले सुंदर साथ जी, धनी जी कहते हैं मेरी खबर दियो औरण को, तहां चले तुम्हारा हुक्म। ये खबर पहुंचाओ वो आपका कहना मानेंगे, आपके श्री चरणों में आ जाएंगे, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, अपना ध्यान रखना, मास्क लगाए बिना बाहर नहीं जाना, हो सके तो बाहर जाना ही नहीं, अपने अपने घरों में रहना ताकि धाम धनी की कृपा हमारे समस्त सुंदर साथ के ऊपर बनी रहे। प्रणाम जी।